अगले 10 से 12 मिनटों में मैं आपको, आपके माता पिता को और टीचर्स को बुरी लतों के बारे में, उनके रोकथाम के बारे में और उनसे कैसे बाहर आया जाए इसके बारे में मार्गदर्शन करने वाली हूँ। ये बुरी लतें क्या क्या हो सकती हैं? ये है धूम्रपान, शराब का नशा, इंटरनेट का नशा, सेलफोन का नशा और ऑफकोर्स दवाइयों, ड्रग्स का नशा। याद रखें कि कोई भी, जब इनमें से कोई भी आदत शुरू करता है तो वो इस मुकाम से, इससे, इस आशा से नहीं करता है कि वो इनका शिकार हो जाएगा, इनका आदि हो जाएगा, पर करते करते कहीं ना कहीं आपको ये भान नहीं होता है और आप उसके एडिक्ट हो जाते हो। सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूंगी वो सेलफोन एडिक्शन की करना चाहूंगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉमन है, एस्पेशली टीनेजर्स में, क्योंकि आप अपने सेलफोन के बिना बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं करते हो, आपको कंटिन्यूअसली उसकी आदत होती है, हर 5 मिनट में आप चेक करते रहते हो, इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज आया, फेसबुक पे आया क्या, व्हाट्सएप पे आया क्या, मैंने कोई पोस्ट की थी, मुझे लाइक्स मिले क्या, लोगों ने उस पे कुछ कमेंट्स किए क्या, पर जब उसकी जो तरंग है, अभी लॉन्ग स्टडीज नहीं है, पर जो मोबाइल की स्क्रीन आप घंटों घंटे देख रहे हो उसकी वजह से आपके आंखों को होने वाले दुष्परिणाम, वो तरंगों की वजह से आपके ब्रेन को होने वाले दुष्परिणाम, ये भी बहुत ज्यादा प्रमाण में देखने में आते हैं। कई बार नींद में आपको मोबाइल नहीं बजा है फिर भी फोन की घंटियां सुनाई देने लगती हैं, आपको बहुत अति एंजाइटी होने लगती है उसके बारे में, और ये सब आपके इस उम्र में आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये आपको आपकी पढ़ाई से दूर कर रहा है, आपको अपने जो लाइफ के गोल सेट किए हैं आपने उससे दूर कर रहा है, आप इतना ज्यादा बिल पे नहीं कर पा रहे हो तो बिल पे करने के लिए आप कुछ छोटे मोटे क्राइम करने लगते हो, मेंटल ब्रेकडाउन हो सकता है, और कुछ केसेस में मोबाइल के अति एडिक्शन से डेथ्स भी हुए हैं। मुझे वो गेम का नाम याद नहीं आ रहा है, पर ऑल ओवर द वर्ल्ड उस गेम की वजह से बच्चे चलते चलते ट्रैफिक सिग्नल पे, कार चलाते वक्त, कहीं पर भी मोबाइल पे वो गेम रहते थे, और उसकी वजह से दुर्भाग्यवश हमारे कितने ही टीनेजर्स मौत का शिकार हो चुके। दूसरा है धूम्रपान। जरूरी नहीं है कि ये सिगरेट के ही फॉर्म में हो, कोई भी निकोटीन का नशा किसी भी फॉर्म में आपके लिए बहुत हानिकारक है। और जब मैं नशे की बात कर रही हूं तो जरूरी नहीं है कि आप खुद नशा कर रहे हो, बहुत सारे हुक्का पार्लर्स हमारे देश में हर कॉर्नर्स में है, हमारे टीनेजर्स को ये हुक्का पार्लर्स बहुत पसंद है, हुक्का पार्लर भी उतने ही नुकसानदायी हैं। दूसरा, पैसिव स्मोकिंग को ना भूले। जरूरी नहीं है कि आप स्मोकिंग कर रहे हो, अगर आपके बाजू वाला कंटिन्यूअसली स्मोकिंग कर रहा है, आप ऐसे अपने पीयर ग्रुप में बैठे हो जहां लोग कंटिन्यूअसली स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, आप पैसिव स्मोकिंग कर रहे हो, और पैसिव स्मोकिंग भी एक्टिव स्मोकिंग के जितनी ही हानिकारक है। तीसरा नशा है शराब का नशा। जब हम शराब के नशे की बात करते हैं तो टीनेजर्स में बहुत ही मिथ है जो उन्होंने शायद खुद के लिए बना ली है कि बियर और वाइन ये तो अल्कोहल भी नहीं आता है और हम तो बस यही लेते हैं, बाकी और कुछ हम नहीं लेते हैं। मित्रों, ये गलत है। बियर भी आप एडिक्ट हो सकते हो, वाइन से भी आप एडिक्ट हो सकते हो, और इनके भी उतने ही नुकसान है आपके शरीर को जितने की बाकी और किसी शराब की वजह से आपको हो सकते हैं। चौथा जो नशा है वो है इंटरनेट का नशा। हमारे टीनेजर्स एक ऐसा वर्चुअल फैंटेसी वर्ल्ड बना लेते हैं अपने मोबाइल, अपने फेसबुक और अदर सोशल मीडिया के जरिए, जिससे वो रियल लाइफ से छूट जाते हैं, रियल लाइफ फ्रेंड से उनका कनेक्शन छूट जाता है, और ये इसी अपनी वर्चुअल लाइफ में ही रहते हैं। जब हम इस तरह वर्चुअल लाइफ में जीते हैं तो आप लोगों को बहुत रेस्टलेसनेस हो जाते हो, मूडी, डिप्रेस्ड, बहुत इरिटेबिलिटी होने लगती है। आप सोचते हो कि मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए फेसबुक पे रहूंगा, पर आपको पता ही नहीं लगता है कि ये 5 मिनट कब आपके 50 मिनट में कन्वर्ट हो गए हो। इस तरह ज्यादा समय अगर आप नेट पे बिता रहे हो तो आपके रियल लाइफ में फ्रेंडशिप्स, आपकी जॉब, आपकी पढ़ाई,
सभी पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। सिर्फ इसके सोशल साइड इफेक्ट्स हैं ऐसा नहीं है, ये इंटरनेट एडिक्शन के बहुत सारे फिजिकल साइड इफेक्ट्स भी है, क्योंकि कंटिन्यूअसली आपकी जो उंगलियां हैं वो या तो कंप्यूटर पे हैं या आपके फोन पे कुछ काम कर रही हैं, तो आपको ये जो मैंने दिखाए हैं कार्पल टनल सिंड्रोम, आंखें आपकी ड्राई हो सकती है, पोस्चरल प्रॉब्लम्स, बैकएक, हेडेक, आप खाने पीने की तरफ ध्यान नहीं देते हो, पर्सनल हाइजीन की तरफ ध्यान नहीं देते हो, और आपकी नींद पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। और जब आप बहुत ज्यादा समय आप अगर नेट पे बिता रहे हो तो आप साइबर बुलिंग के लिए भी बहुत ज्यादा प्रोन हो। अदर फॉर्म्स ऑफ बुलिंग से ज्यादा साइबर बुलिंग बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि ये कोई भी एनोनिमस व्यक्ति आपको साइबर स्पेस में जाकर बुली कर सकता है, ईमेल के माध्यम से, टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से, या आपके बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से आपको कोई भी प्रकार की धमकी दे सकता है, वर्बल अब्यूज कर सकता है, आपको ब्लैकमेल कर सकता है। ये सब साइबर बुलिंग के प्रकार हैं। आप ये साइबर बुलिंग से कैसे बच सकते हो? सबसे पहले आप ये बुली को एंगेज ना करें अपने सोशल मीडिया पे या जो भी प्लेटफॉर्म पे आपको बुली किया जा रहा है, क्योंकि जो भी बुली कर रहा है वो आपसे एक रिएक्शन की उम्मीद करता है। जब आप रिएक्ट करते हो तो उसके काउंटर रिएक्शंस और वो चेन आपकी चलते रहती है। आप अपने कभी भी सीक्रेट सोशल मीडिया पे शेयर ना करें, अपनी प्राइवेसी को बनाए रखें, पर्सनल फोटोग्राफ्स कभी भी इंटरनेट पे ना डालें। हमेशा ध्यान रखें कि देयर इज नथिंग कॉल्ड एज प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी। एक बार आपने सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट कर दिया है तो उस पर से आपका कंट्रोल चला गया है। ये कहां जाएगा, किस रूप में जाएगा, आप उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हो। जब भी कोई आपको बुली कर रहा है तो इमीडिएटली डर के मारे वो रिकॉर्ड को डिलीट ना करें, उसको स्क्रीनशॉट ले, डेट, टाइम, डिस्क्रिप्शन सब सेव करके रखें। अगर आपको बुली किया जा रहा है, पेरेंट्स में कन्फाइड करें, टीचर्स में कन्फाइड करें, और याद रखें कि हर पुलिस स्टेशन में एक साइबर क्राइम सेल है जहां पर आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हो। अब हम आ रहे हैं हार्ड ड्रग्स, क्योंकि बहुत सारे टीनेजर्स अभी ड्रग्स की वजह से ड्रग्स की तरफ बढ़ गए हैं। और क्यों लेते हैं हमारे टीनेजर्स इस ड्रग्स की तरफ आकर्षित ही क्यों होते हैं? क्योंकि अगर उनके ग्रुप में कोई ले रहा है तो उन्हें वो ग्रुप में फिट होना है, दे वॉन्ट टू फील गुड, आपको बेटर फील करना है। बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है। एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, हम ये बच्चों पे इतना एकेडमिक प्रेशर ला देते हैं कि नहीं, आपको तो नंबर वन ही आना है क्लास में, सेकेंड तो कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता है। अभी जस्ट 10-15 दिन पहले 10वीं और 12वीं के रिजल्ट एक्सेप्ट हुए, हर व्यक्ति ने मेरे बच्चे को 95% मिले, 99% मिले डाला, हमने भी कॉन्ग्रेचुलेशंस के मैसेज डाले, किसी ने नहीं डाला कि मेरे बच्चे को 40% है, 50% है, एंड आई एम हैप्पी अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ माय चाइल्ड। तो इतना ज्यादा एकेडमिक प्रेशर में अगर आपका बच्चा, आपका टीनेजर जी रहा है तो ये वो एस्केप रूट ढूंढने लगते हैं कि हम इसमें से बाहर कैसे निकले। और ऑफकोर्स ये तो एज ही होता है क्यूरियोसिटी का, उन्हें कुछ ना कुछ नया करना होता है, इसलिए भी वो क्यूरियोसिटी के कारण ड्रग्स की तरफ चल पड़ते हैं। सेलिब्रिटीज, हम इन्हें दोष नहीं देंगे, कई बार ये सेलिब्रिटीज का बहुत अच्छा इफेक्ट होता है हमारे टीनेजर्स पर कई बार बुरा भी होता है, क्योंकि जब हमारे बच्चे देखते हैं कि अरे ये सेलिब्रिटीज तो ये ड्रग ले रहा है, ये सेलिब्रिटी तो इस एडिक्शन का शिकार है, तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को लगने लगता है कि ये एडिक्शन नॉर्मल है, या मैं भी अपने लाइफ के कुछ बुरे सिचुएशन से निकलने के लिए ड्रग्स का सहारा ले सकता हूं। पर क्या हमारे बच्चे ही दोषी हैं इसके लिए कि अगर वो ड्रग्स यूज कर रहे हैं या किसी भी प्रकार के नशे के शिकार है? नहीं, हम माता पिता और टीचर्स की उसमें बहुत बड़ी भूमिका है। अगर आप मेरी ये स्लाइड देख रहे हैं कि जिसमें मैंने रिस्क फैक्टर्स लिखा है, क्योंकि सिचुएशन एक बहुत बुरी सिचुएशन है, पर हर टीनेजर ड्रग्स का शिकार नहीं होता है, कुछ उसमें से बिना ड्रग के बाहर आ जाते हैं। तो क्या रिस्क फैक्टर्स हैं कि जो एक टीनेजर को उसकी तरफ ले जाते हैं? सबसे पहला है कैओटिक होम एनवायरनमेंट।
अगर घर का माहौल अच्छा नहीं है, जहां पेरेंट्स हमेशा आपस में झगड़ा कर रहे हैं, जहां एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, जहां आपने अपने पेरेंट्स को अच्छी वैल्यूज नहीं सिखाई हैं, उसे पता नहीं होता है कि क्या उसके लाइफ के गोल्स हैं, तो ये बच्चा रिस्क फैक्टर्स में आता है। एकेडमिक फेल्यूर है, आपने उसको बहुत ज्यादा टारगेट दे दिया है, उसकी कैपेसिटी के बियॉन्ड उसको दे दिया है। सोशल कोपिंग स्किल्स वो बच्चे में कहीं ना कहीं आपने डेवलप नहीं की है, आपने ये ध्यान नहीं रखा है कि हमारा बच्चा किससे मिलता है, उसके पीयर ग्रुप में कौन है, वो कैसे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है। और अगर किसी बच्चे के घर में पेरेंट्स ही खुद किसी बुरी लत के शिकार है, शराब के या ड्रग्स के, तो ये बच्चा आगे जाकर बुरी लत का शिकार होने के लिए ज्यादा उसकी तरफ उसका झुकाव है। उसके प्रोटेक्टिव फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? है, लाइफ में एडवर्स सिचुएशंस हैं, क्या आप अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? यस, अगर आपके स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड्स है, फैमिली वैल्यूज हैं, फैमिली कल्चर है, आप घर में एक दूसरे को समझते हो, एक दूसरे को समय देते हो, आप अपने बच्चे को समय दे रहे हो, क्वालिटी टाइम दे रहे हो, तो आप अपने बच्चे को बुरी लत की तरफ जाने से रोक सकते हो। जरूरत से ज्यादा उससे एक्सपेक्टेशंस ना करें, अपने बच्चे का पोटेंशियल समझे और उसके हिसाब से ही उसे आप मोटिवेट करें कि लाइफ में उसे किस तरफ जाना है। हम सब ये ड्रग अब्यूज के लिए क्यों इतने चिंतित है? ऑफकोर्स क्योंकि इसके बहुत सारे दुष्परिणाम है। फिजिकल हेल्थ बच्चे की अफेक्ट होगी, बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स हैं, इंजुरीज है, आपका बच्चा ड्राइविंग करेगा नशे की लत में, अनप्रोटेक्टेड सेक्स के चांसेस ज्यादा हैं, अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, वेहिकुलर एक्सीडेंट्स होंगे, और अगर हमने फिर भी इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो हमारा बच्चा सुसाइड्स, होमिसाइड्स, ये इनकी तरफ भी प्रवृत्त हो सकता है। तो इसके फ्लैग साइंस क्या है? टीचर्स और पेरेंट्स इसे ध्यान से सुने, क्योंकि ये आपको पता लगाना है, आपको उसको कम इसमें पकड़ना है कि ये बच्चा नशे की लत का शिकार तो नहीं है। तो क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? अगर आपका बच्चा मुंह से बदबू ना आए इसके कारण बार बार अपना माउथ वॉश कर रहा है, बहुत ज्यादा परफ्यूम और डिओडोरेंट का इस्तेमाल कर रहा है, दिन भर च्यूइंग गम इस्तेमाल कर रहा है ताकि आपको उसके मुंह से उसकी बदबू ना आए, आपके साथ पेरेंट्स और टीचर्स के साथ वो आई कॉन्टेक्ट अवॉइड कर रहा है, आपके साथ में हगिंग अवॉइड कर रहा है कि कहीं आप उसको सूंघ ना लो, सडनली उसके कुछ नए ऐसे फ्रेंड्स बन गए हैं जिसके बारे में वो बहुत सीक्रेटिव है, जिनके बारे में वो आपको बता नहीं रहा है, आपके साथ शेयर नहीं कर रहा है, सडनली आपका बच्चा आइसोलेटेड रहने लगा है, उसका सोशल कॉन्टेक्ट कम होने लगा है, उसका स्कूल का परफॉर्मेंस कम होने लगा है, वो अपनी हाइजीन की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, उसकी भूख अफेक्ट हो रही है, स्लीप अफेक्ट हो रही है, मूवीज की तरफ उसका जो कल है ना अट्रैक्शन है वो बदल गया है, वो एकदम से थ्रिलर मूवीज देखने लगा है या कुछ अलग ही प्रकार की मूवीज की तरफ देखने लगा है। अनएक्सप्लेन इरिटेबिलिटी, आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, ये बच्चा एकदम से आपके साथ में इरिटेबल होके बात कर रहा है, आपके साथ में उसके बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए हैं, सडनली आपका बच्चा टॉयलेट में जरूरत से ज्यादा समय बिताने लगा है और घर से थोड़ी बहुत चोरियां होने लगी है, जिसको हम सब लोग कभी सही में विश्वास ही नहीं कर पाते हैं कि ये हमारा बच्चा भी कर सकता है, चाहे वो ड्रग्स के लिए कर रहा हो, मोबाइल का बिल भरने के लिए कर रहा हो, पर अलर्ट रहें, अगर घर से कुछ सामान की चोरी हो रही है, पैसे की चोरी हो रही है, तो उसको इन्वेस्टिगेट करें। अब ये तो लक्षण हो गए, आपको ध्यान में आ रहा है कि आपका बच्चा शायद इसकी तरफ गया है, क्या कर सकते हो एज ए टीचर, एज ए पेरेंट? हमेशा ध्यान रखें कि आपको इस बच्चे को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना है। मुझे पता है ये शब्द बहुत लोगों को बहुत बेमानी लग रहा है कि अरे बच्चा गलत कर रहा है, हम इसको कैसे रिस्पेक्ट, हम तो इसको ह्यूमिलिएट करेंगे, हम तो इसको रिडिक्यूल करेंगे। बिल्कुल गलत है, जहां आप रिडिक्यूल करोगे बच्चे को ह्यूमिलिएट करेंगे, वो आपसे और दूर 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 हो जाएगा और फिर ये बच्चे काउंसलर के पास जाके बैठते हैं जो उन्हें जज नहीं करते हैं, जो उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिंसिपल सभी टीचर्स और माता पिता के लिए है कि आप इस बच्चे को समझें, उसे रिस्पेक्ट दें, उसे रिडिक्यूल ना करें, उसे ह्यूमिलिएट ना करें,
क्योंकि आपका जो यहाँ पे मेन आपका उद्देश्य है वो उसको उसमें से बाहर लाना है, ना कि उसको और ह्यूमिलिएट करना है। उसके साथ संवाद करें क्लासरूम में, सबके सामने उसे नीचा ना दिखाएं, उसके साथ में फेयर रहें, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में उसके इस प्रॉब्लम को उसके साथ में आप बाहर लाने में उसकी मदद करें। जब भी आप ये बच्चे के साथ में पॉजिटिव डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं तो देर आर सर्टन डोंट्स, ये सब चीजें आपको नहीं करनी है माता पिता को और टीचर्स को। निगेटिव्स स्टाफ रूम में, अरे मेरे क्लास में तो वो बच्चे ने ऐसा किया, अरे वो तो ऐसा था, अरे वो तो ऐसा था, ये जो निगेटिव बातें आप अपने स्टूडेंट की स्टाफ रूम में अपने टीचर्स के साथ करते हैं ये आपको बंद करना है। बच्चे को जज नहीं करना है, लेबल नहीं करना है आपको। बहुत सारे टीचर्स भी कैसा माई वे इज द बेस्ट कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं, मुझे पता है, मुझे सब आता है, मेरा आपको सुनना है। ये एटीट्यूड से हमारी जनरेशन को बाहर आना ही पड़ेगा, चाहे वो माता पिता हो चाहे टीचर्स हो। जहां आप बहुत फ्रिजिड रहोगे आपका बच्चा आपसे उतना दूर 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 चला जाएगा। प्रीचिंग, चाहे आप टीचर हो या माता पिता हो, ये जनरेशन के साथ में आपको प्रीचिंग नहीं करनी है। उन्हें समझे और प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करें। अब ये तो मैंने माता मैडम लक्ष्मी मैडम आपका टाइम ओवर होने को है, प्लीज बस एक मिनट। ये तो माता पिता की बात की, स्टूडेंट्स के लिए है एक्टिव रहे, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, पॉजिटिव एक्सेप्टेंस, हैव गोल्स इन लाइफ जो आपको बता चुके हैं। जस्ट बिकॉज कि आपको पीयर ग्रुप में एक्सेप्टेबल होना है, इसके लिए ड्रग्स लेना है या कोई नशा करना है, इससे आप दूर रहें। ये पावर मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग आप लाइफ में हर सिचुएशन में अपना ले। पहले तो एक्सेप्ट करें कि प्रॉब्लम है, ऑप्शंस क्या है, आप वे करें कि प्रोज एंड कॉन्स हर ऑप्शन के क्या है, इलेक्ट, चूज द बेस्ट ऑप्शन, रिफ्लेक्ट। अगर आप ये पावर मॉडल अपना लेंगे तो आपको जिंदगी में हर डिसीजन लेने के लिए आसानी हो जाएगी। सो दोस्तों, प्राइमरी प्रिवेंशन टू अवॉइड एडिक्शन इज हैव हॉबीज, स्पोर्ट्स। सेकेंडरी प्रिवेंशन, हमेशा याद रखें कि मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट है, काउंसलर्स है, हमारे जैसे डॉक्टर्स हैं जो एडोलेसेंट क्लिनिक्स चलाते हैं, और हेल्पलाइन हर जगह है। आप हेल्पलाइन में फोन कर सकते हैं और मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट के पास जाने के लिए भी कोई टैबू नहीं है। जैसे फिजिकल हेल्थ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मेंटल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। आप बिल्कुल बिना किसी शर्म के झिझक के उनके पास जाएं। अगर आप किसी लत के शिकार है तो फुल रिकवरी बिल्कुल पॉसिबल है, पर इट्स अ चैलेंज जिसमें आपको एक्सेप्ट करना है और आपको उसके साथ में आगे जाना है। क्योंकि एडिक्शन एक ऐसी जेल है जिसकी हथकड़ियां आपने खुद अपने हाथों से लगाई है और इसको आपको ही तोड़ना है। सो आप फुल इससे आगे जाएं और इस सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें और किसी भी बुरी लत का शिकार ना हो। जो मेरा लास्ट टॉपिक था वो ये है, से नो टू मैरिज बिफोर 21 इयर्स। पर लड़की को मैं बस यही संदेश देना चाहूंगी कि शादी आपके जिंदगी का मकसद नहीं होना चाहिए। पहले पढ़े लिखे, अपने पैरों पे खड़े हो, आप शादी का सही अर्थ समझे और उसके बाद ही आप शादी जैसा बड़ा कदम उठाएं। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग।